अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे, जहाँ ही कुछ बात नहीं इससे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। तो जी, कुछ मुझे दिनों से इंस्टा पे कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं और कुछ जो लोग हैं वो सब्सक्राइबर ही शायद भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने आके मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे जिनको मैंने सोचा कि आज की वीडियो में मैं आपको बताती चलूँ। तो उन्होंने मुझसे K1 गेम के बारे में पूछा था, तो मैं आपको बताती चलूँ कि K1 गेम वाकई पॉपुलर है, क्या इसकी प्रमोशन सच है। जी हाँ, बिल्कुल सच है। यूट्यूब पर भी बहुत से ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो इसकी प्रमोशन कर रहे हैं, ये ब्रांड प्रमोशन की तरफ उनकी अहमियत दुरुस्त करती है। तो हम लोगों के लिए ये एक निशानी है, ये फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट, इसमें आप सिर्फ रेफरल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कैसे, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर हो जाएं और 600 का रिवार्ड आपका वेट कर रहा होगा। और हाँ, अगर आप अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं तो आपको मिलेगा पर रजिस्ट्रेशन पे 150 रेस का बोनस। और अगर 2 से 4 दोस्तों को आप रजिस्टर करवाते हैं तो फिर आपको 180 रेस के हिसाब से बोनस मिलेगा। तो इसमें बहुत सी गेम है, आप लोग इसमें से कोई भी गेम सेलेक्ट करके खेल सकते हैं जो खेल के भी फ़ायदा देता है। आपको समझा रही हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको समझ आ गया होगा। मुझे ये गेम इसलिए पसंद है क्योंकि अगर आप लोग अच्छा एटीट्यूड और रिस्पॉन्सिबल ऑपरेशन रखें तो ये वाकई लोगों को फ़ायदा दे सकती है। इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अगर मौका मिला तो ख़ुद आप ट्राई करें। वेलफेयर कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत अच्छा है, नए और पुराने यूज़र के लिए मुख्तलिफ वेलफेयर ऑप्शंस हैं, जैसे वीकली, मंथली, कार्ड गिफ्ट, ये नए यूज़र के लिए भी अच्छे हैं। नए यूज़र को डाउनलोड करने पर 20 रेस मिलेंगे। और अभी कुछ ये मेरे इस अलायंसेस है, अगर आप लोग शामिल होना चाहते हैं, इस गेम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें और रजिस्टर होके मुझे ज़रूर अपने एक्सपीरियंस के मुतल्लिक बताएं। तो ये था उनके सवालों का जवाब और मुकम्मल उनके सवालों की तफसील। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल कैप्शन पे प्रेस करें। तो आजकल जी मौजा हो गया है जल्ला अरई वाले गाँव में कि रात को हमेशा आप लोगों को चाँद ही नज़र आता होगा, लेकिन इस बार जल्ला अरई में रात को सूरज नज़र आ गया है। क्योंकि किस वजह से नज़र आया है कि जावेद सांड साहब के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है, उनकी जो बांजी है और उनकी अम्मी हजूर में लोगों को लड़ाई का ड्रामा बताया जा रहा है। दर हकीकत जो बात है वो एक ही जगह पे दोनों जब वीडियो बनती है तो अम्मी हजूर को छुपा दिया जाता है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है जिस पे आजकल वो वर्क कर रहे हैं वो है एक घर, अलहदा घर का मुतालबा। मतलब कि साबरा को आगे किया जाता है कि साबरा एक घर का मुतालबा करिए, उसको एक अलग घर बना के दें, क्योंकि नदीम भाई की शादी हो रही है। नदीम भाई वो थे जिनको साबरा रिजेक्ट करके आई थी। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बताती हूँ कि अल्लाह की करनी, अगर अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। वो नदीम भाई जिनकी वॉइस नहीं थी, जिनको एक्सपायरी टैबलेट्स वगैरह मेडिसिन वगैरह दे के उनकी वॉइस को बंद किया गया था, उनके गले को बंद किया गया था, अल्लाह की करनी आज वही नदीम भाई एक अच्छी तरह से बात भी कर सकता है, समझा भी सकता है, इवन कि अपनी बहन के कहने पर वो बंदा सॉन्ग्स भी गा सकता है। और निकाह भी हो चुका है, पढ़ी लिखी बीवी भी मिल चुकी है, अल्लाह पाक के करम से एक अच्छा घर भी बन गया। क्योंकि जब ये लड़कियाँ चली जाएंगी अपने घर में तो स्याह सफ़ेद के मालिक होगा नदीम भाई, मुजम्मल और उसकी बीवी, क्योंकि रहना उन लोगों ने। और साबरा के हाथ में क्या आया, जिल्लत, पछतावा, घर के काम, नौकरानी बनी हुई है। आप हालत उसकी देखें कि ऐसा पता चलता है ना जैसे सदियों से इस औरत ने खाना नहीं खाया। उनका घर का काम भी नौकरों की तरह करती है
और उनको के रोजी रोटी का बंदोबस्त भी ये औरत अपने व्यूज के चैनल बना के देखें कि करती है चैनल क्या है, उसकी वजह से उस घर से भगाया गया। अब व्यूज की वजह से इतना बड़ा ड्रामा रचाया गया। साबरा ने जो कुछ भी किया, जो गलत काम किया, उसकी जवाबदेही वो होगी, लेकिन उसको और भी कामों की तरफ, गंदे कामों, गुनाह के कामों की तरफ लेके जाया जा रहा है। अब साबरा की कब्र में ये सांड नहीं जाएगा, वहां पे ये असाब नहीं देगा कि इसको छोड़ दो, इसकी सजा कुछ जो भी काम मैंने वो करवाने वाला मैं था। साबरा की इसमें कोई गलती नहीं है, साबरा को झूठ बोले पर मैंने घुसाया, क्योंकि शैतान का मास्टरमाइंड मैं हूँ, शैतान का चेला मैं हूँ, और मैं जो भी काम करता हूँ, मैं जो भी कहता हूँ, ये मेरी बांजी बिल्कुल वही काम करती है। तो साबरा झूठ भी बोलती है, अपने लिए अजाब भी इकट्ठा करती है, नौकरों की तरह काम भी करती है, फिर भी उसको वीडियो में लोगों के सामने सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा हद तक और उसकी इंसल्ट की जाती है ना कि आप लोग देखें कि चाहे जी ये झूठ भी है, लेकिन लोगों के सामने सच बात बताई जा रही है, झूठ नहीं कहा जा रहा कि झूठ है, हम लोग ड्रामा कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने ये कहा जा रहा है कि इसमें हकीकत है, मेरी अम्मी घर से लूट के चली गई हैं। अब आप लोग देखें कि साबरा के पास कपड़े भी नहीं है बेचारी, कब तक लोगों से मांगोगी? एक काम करो, अपने मुंह काला करो, जूतों का हार गले में डालो, चौराहे पे खड़ी हो जाओ, बोलो, अपने मुंह पे जूते मारो कि मैंने क्या गलती कर दी, मैंने अपने बच्चे छोड़े, अपने हस्बैंड छोड़ा। आज मैं वो औरत हूँ जो अपना पेट भरने के लिए इन लोगों का काम भी करती हूँ, इन लोगों के लिए रोजी रोटी का भी बंदोबस्त करती हूँ, अब मैं उन लोगों के लिए भीख भी मांग रही हूँ, मेरा मुंह और काला करो और मेरे गले में जूतों के हार डालो, ताकि साबरा को देखकर कोई और औरत ऐसा ना करे, इबरत हासिल करे कि देखें ये औरत वो है जो फूल से तीन बच्चे छोड़ के गई थी, जो अपने हस्बैंड को, जो उसका कानूनी इस्लामी तरीके से शोहर बना था, उसको छोड़कर एक गंदे मर्द से एक नजायज तलक की तरह रह रही है, और साथ में उन लोगों को पाल भी रही है, ताकि कोई भी औरत जब ये कदम उठाए तो हज़ार बार सोचे कि उस औरत का अंजाम क्या हुआ था। जैसा तैसा भी है, जो भी है, लेकिन ड्रामा है, हकीकत है, लेकिन लोगों के सामने इस बात को फैलाया जा रहा है कि देखें आज साबरा के हिस्से में क्या आया। तो आज मैंने, मेरा ख्याल है कि नेट वाला सिस्टम यानी ऑफ नहीं किया है, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, आपने इस बात को इग्नोर करना है, सॉरी करती हूँ, नेक्स्ट इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जल्दी में आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो नेक्स्ट जब मैं करूँगी तो इंशाल्लाह मैं कर दूँगी, पहले मैं कर देती थी, लेकिन आज पता नहीं किस वजह से वाईफाई का कनेक्ट जो है ना, वो कनेक्शन मैंने बंद नहीं किया था, तो इस वजह से ये मैसेज आ रहे हैं, आप लोगों को थोड़ी सी डिस्टर्बिंग तो होगी। तो मैं ये कहती हूँ कि देखें कि रात को, पहले इससे जावेद एंगल का कहना था कि साबरा व्लॉग्स नहीं बना सकती है, अब साबरा ने कैमरा भी उठा लिया, व्लॉग्स भी बना लिया, रात को सूरज भी दिखा दिया, दिन का सूरज रात को भी दिखा दिया, जब वो आया सांड, अब उसकी एक्टिंग आप चेक करें, बोल रहा था कि मैं अपनी मम्मा के पास किया था कि तुम्हें क्या है, तुम चली जाओ, अब उन्होंने कमरा भी अलादा कर लिया, लोगों के कहने सामने वो लोग अलादा हो चुके हैं, तो साबरा के हिस्से में तो जलालत, बेइज्जती और क्या इसके हिस्से में, औरत के हिस्से में, अब वो मर के फना हो चुकी है, उसको पछतावा सांस भी लेने नहीं दे रहा है। उस औरत के लिए सारा कुछ जो था ना, वो यही था कि इसको चैनल चाहिए था, चैनल की खातर इसने इसको घर से भगाया, लेकर आया, अब पैसे भी ले रहा है, अपना ऐश भी कर रहा है, उसको जलील भी कर रहा है, लोगों के सामने उसको बातें भी सुना रहा है। लातदाद ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसमें साबरा को बुरा भला कहा जाता है, लेकिन साबरा को बुरा भला कहने से पहले आप जो मास्टर माइंड है, जो हदायतकार है ना, आप उसको सलवाते सुनाएं, आप उसके लिए बोलें कि वो कितना कमीना इंसान है जो औरत के कंधे में रख के बंदूक चला रहा है, जो खुद अपाज है, जो कुछ कर नहीं सकता, काम नहीं कर सकता है, सिर्फ एक साबरा को लाइव पे बिठाना, उसको वीडियो के सामने जलील करना, ये वाला बंदा है, ये मर्द हैं सारे जल्लारे के, इनकी हकीकत इस बात से आप लोग देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने जलील मर्द हैं ये, जो औरत की कमाई खाते हैं फिर औरतों के लिए बुरा भला आके बोलते हैं। आज आप लोग औरतों को वो रास्ता देते हैं ना, वो गली पकड़ाते हैं, हाथ पकड़कर उस गली में छोड़ते हैं आप लोग, जिसमें सिर्फ तबाही, बर्बादी और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं है,
फिर आप लोग बोलते हैं कि हमारी औरतें इस तरह की हैं। पहले आप लोग मर्द बन के तो दिखाओ, पहले अपनी औरतों को कमाई तो हाथ में दो अपनी हक हलाल की, फिर आप औरतों पे बात करना कि अगर आप लोगों ने हलाल की कमा के दी औरतों की, आपकी इज्जत न की, तब आप बोलें कि औरतें बुरी हैं। लेकिन ये हर हरामी, ये बेईमानियाँ, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के बेटे तो नहीं हो आप लोग, वो आपको दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से तफसीली बात होगी। अभी वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, वीडियो अपलोड भी करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।